क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट समराइज फॉर्म में गिवन है। लास्ट में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और इससे ऊपर है इनकम टैक्स एक्सपेंस 700, और इससे ऊपर है 2350 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ कॉपी कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद एडजस्टमेंट्स, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यह हमें कैलकुलेट करना होगा, और इसके लिए हम बनाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। नॉन करंट एसेट्स पे आते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 4800, कॉपी करेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 5600। उसके बाद नोट नंबर 1 पे आते हैं, यहाँ पे ये डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एसेट की कॉस्ट है 8 लाख, नेट बुक वैल्यू 3,50,000, सोल्ड हो रहा है 5 लाख में। कॉस्ट 8 लाख है, नेट बुक वैल्यू 3,50,000, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 4,50,000। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 450 से। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया 6,050। अब 6,050 में से बैलेंस बी डी 4,800 लेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,250। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, कैश फ्लो में ऐड कर लेंगे 12,1250 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ ये इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट गिवन है 300, ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेंगे हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। इसके बाद नोट 1, एसेट की कॉस्ट है 8 लाख, बुक वैल्यू 3,50,000, सेल कर रहे हैं 5 लाख में, यहाँ हमें गेन हो रहा है 1,50,000। गेन ऑन डिस्पोजल 1,50,000 माइनस करेंगे, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस नोट करते हैं, करंट एसेट्स में सबसे पहले हमें इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 3,800, क्लोजिंग बैलेंस है 3,400, तो 400 का डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे 400। के बाद रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 2,900, क्लोजिंग बैलेंस 3,800, तो इसमें इंक्रीज आ रहे 900 900 का इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स माइनस करेंगे। कैश एट बैंक ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। अब करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 3,200, क्लोजिंग बैलेंस 3,700, तो पेबल्स में 500 का इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज इन पेबल्स ऐड कर लेंगे। और इसके बाद आप इसका सम कर लेते हैं, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 3,750। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में हम इंटरेस्ट पेड इसमें से माइनस करेंगे और इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट गिवन है 300, ये चीज, और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो इट मीन्स जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है 300, यही हमने फुल पे कर दी।
यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट पे 300 लेस करेंगे। इसके बाद टैक्स पे 8 माइनस होगा। इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है 700, और करंट लाइबिलिटीज में इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 600, क्लोजिंग बैलेंस 700। तो हमें टैक्स पेड फाइंड करने के लिए इनकम टैक्स का टी अकाउंट बनाना होगा। तो हम इनकम टैक्स एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से हमें टैक्स पेड मिलेगा 600। अब इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 600, ओपनिंग बैलेंस, और इनकम टैक्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 700। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है 700, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 700। अब इनकम टैक्स अकाउंट क्लोज करेंगे, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1300। 1300 में से कैरी डाउन बैलेंस 700 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 600, और ये हो गया हमारा इनकम टैक्स पे। और इसे हम यहाँ से माइनस करेंगे, इनकम टैक्स पे 600।